नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद का संवाहक विचार मंच क्रांति दूत दिवाकर शर्मा के साथ। दो दिन पूर्व वॉशिंगटन पोस्ट में छपे जोश रोजिन के आलेख ने चीन के शिविरों में मुस्लिमों की दयनीय स्थिति स्पष्ट की। यह तो सभी जानते हैं कि चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को चीनी सरकार ने बड़े पैमाने पर शिविरों में कैद करके रखा है, और मजे की बात यह है कि उन शिविरों को नाम दिया है री एजुकेशन सेंटर, यानी पुनः शिक्षा शिविर। लेकिन इन शिविरों में उनके साथ क्या होता है, इसका भयावह वर्णन एक भुक्तभोगी ने किया है। 24 वर्षीय मुस्लिम छात्रा वेरा युमिंग झोंग 2008 में चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका में आई और अब अमेरिका की स्थायी निवासी है। वह मूलतः मुस्लिम जातीय समूह हुई से है। उसे चीन की कुईतुन शहर में रह रहे अपने पिता से मिलने की बड़ी इच्छा थी, अतः अक्टूबर 2017 में उसने बहाना लिया वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के होमवर्क का और एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एप्लीकेशन का उपयोग कर चीन पहुंची। बस फिर क्या था, उसे एक घुसपैठिया करार देकर गिरफ्तार कर लिया और उस चर्चित री एजुकेशन सेंटर में भेज दिया गया, जहां उसने 11 महीने बिताए। एक छोटी सी सेल में 11 अन्य मुस्लिम महिलाओं के साथ उसे ठूसा गया था। खास बात यह है कि उससे कभी कोई पूछताछ भी नहीं की गई, सुनवाई तो दूर की बात है। उसका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन शिविर में उसे कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। उसे अपने पिता से मिलने हेतु महज 15 मिनट के लिए कड़ी निगरानी में भेजा गया। शिविरों में कैद कैदियों को चीनी देशभक्ति गीत गाने के लिए मजबूर किया जाता था तथा कोई भी धार्मिक कृत्य करने की सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि वे अपने मूल भाषा में भी बातचीत नहीं कर सकते थे। वॉशिंगटन में झोंग की माँ मैरी केयूम माँ ने अपनी बेटी की मदद के लिए वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। निराश माँ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता बॉब फू, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी मैथ्यू पोटिंगर, रैप क्रिस्टोफर व एच स्मिथ के दरवाजे खटखटाए। बमुश्किल तमाम विदेश विभाग ने झोंग का नाम उन कैदियों की एक सूची में जोड़ा जिसे रिहा करने के लिए चीन सरकार से आग्रह किया जाना था। अंततः गिरफ्तारी के 23 महीने बाद सितंबर में झोंग को उसका पासपोर्ट वापस देकर छोड़ा गया, और वह भी तब जब उसने चुप रहने का वादा करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जरा सोचिए कि एक अमेरिकी मुसलमान के साथ चीन में यह व्यवहार होता है तो वहाँ के वाशिंदों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 5 नवंबर 2019 को ब्रिटेन की एक वेबसाइट इंडिपेंडेंट में क्रिस बेनेस का एक आलेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक ही दिल दहला देता है। मुस्लिम पतियों को री एजुकेशन शिविरों में नज़रबंद करने के बाद उनकी पत्नियों को चीनी पुरुष अधिकारियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने के लिए विवश किया जाता है। लेखक आगे लिखता है कि इसके लिए बहाना होता है उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का। यह बात स्वयं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सूत्रों ने रेडियो फ्री एशिया को बताई है कि नियमित रूप से निगरानी यात्राओं के दौरान उइघुर अल्पसंख्यक परिवारों के सदस्यों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सोते हैं। विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में 1,00,000 से अधिक उइगर पुरुषों को गुप्त री एजुकेशन शिविरों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है। मॉनिटरिंग का यह तरीका मुसलमानों के व्यवस्थित दमन का हिस्सा है। चीन ने 1 मिलियन से ज़्यादा जासूसों को तैनात किया है, जिनमें से अधिकांश चीन के बहुसंख्यक हान जातीय समूह के हैं। वे उइघर घरों में बारी बारी से 2-2 महीने रहते हैं, और इसे नाम दिया जाता है जोड़ी अप एंड फैमिली प्रोग्राम। जिन परिवारों को सरकार निगरानी में रखा जाना जरूरी मानती है,
ये अधिकारी उनके घरों में जाकर 24 घंटे रहते हैं, खाते हैं और अक्सर अपने मेजबानों के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं। ये अधिकारी जासूस उइघर परिवारों की विचारधारा को बदलने का प्रयास करते हैं और उनके साथ बातचीत कर आत्मीयता विकसित करते हैं। सरकार इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक बताती है, लेकिन चीन के मुसलमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी भी नानुकुर की तो उन पर चरमपंथी होने का ठप्पा लग जाएगा और जिंदगी नरक हो जाएगी। विश्व उइघुर कांग्रेस निर्वासन समूह के प्रवक्ता पीटर इरविन इसे चीन में मुस्लिमों के दमन का एक विकृत कदम बताते हैं। वे कहते हैं कि यह निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा का पूर्ण विनाश है। यह उइगरों की पहचान को खत्म करने का एक तरीका है। किसी भी अन्य देश या पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता होगा, लेकिन चीन में यह पिछले 2 या 3 वर्षों से लगातार जारी है। चीन में मुसलमानों का हो रहा यह दमन क्या अमानवीय नहीं है? और अगर है तो हमें आपको सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह कोई चटकारे वाला विषय नहीं है बल्कि निंदा का विषय है। हाँ, इतना अवश्य है कि भारतीय मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वे जिन कम्युनिस्टों के बहकावे में आकर भारत के टुकड़े और तथाकथित आज़ादी मांग रहे हैं, उनका असली स्वरूप क्या है। कम्युनिस्ट केवल अराजकता फैलाकर भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि भारतीय जनमानस कभी वोट के माध्यम से उन्हें सत्ता सौंपने वाला नहीं है। ये पाखंडी सत्ता लोभी केवल विनाश कर सकते हैं। जागो भारत जागो।